ये एक तरफ से सेफ्टी है, ठीक है, मन की जो डर रहती है वो निकल जाती है। तो अब क्या हुआ कि जब मैं टेस्ट कर रहा था कि उतना वोल्टेज के बाद ये पीएफ इसको इतना सप्लाई नहीं दे पा रहा है कि इसमें ये ग्लो कर रहा है, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब क्या है, अब देखिए दोस्तों उसका कमाल, जो चीज हमको चाहिए था वो अभी मिल रहा है। उस टाइम से मैं उलझ रहा हूँ क्या हुआ। ये देखिए दोस्तों एलईडी भी जल रहा है और हमारा डीओवी भी जल रहा है, ठीक है, एलईडी एक भी फ्यूज नहीं हो रहा है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपने झालर को रिपेयर करने वाले हैं, दिवाली नजदीक आ रही है तो फटाफट से चलिए दोस्तों अपना अपना झालर को चेक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे एक झालर है जो कि बंद पड़ी है, पता नहीं चलते चलते बंद हो गई है, तो किस तरह से इसको सही करेंगे चेक करेंगे तो आज देखेंगे। तो इसको मैं चला के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से, देखिए दोस्तों ये पूरी तरह से डेड पड़ी है, ठीक है, आपकी भी झालर भी डेड पड़ी होंगी। चेक करने का, टेस्ट करने का ट्रिक जो है वो सेम रहती है, ठीक है, मैं जो ट्रिक का यूज करूंगा वो आप भी यूज कर सकते हैं और उससे भी आपका झालर सही से काम करेगा, बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट, आज डॉक्टर बनने का बारी आ चुकी है। इसके अंदर में ये सर्किट बॉक्स लगी हुई है जो टेपिंग है, तो इसको भी हम खोलेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास पावर बोर्ड आ चुका है, तो ये देखिए दोस्तों पूरी तरह से ये डेड पड़ी है। मैं स्विच को ऑन किया हूँ, ये देखिए स्विच को ऑन किया हूँ मैं, ठीक है, ये मेरे उल्टी तरफ है बोर्ड, ये देखिए ये लाइट जल नहीं रहा है, बिल्कुल भी जल नहीं रहा है। तो इसको सही करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा डीओवी का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डीओवी का इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरह से कैसे कैसे करना है, क्या करना है, सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपके पास जो भी वाटेज का डीओवी हो, मेरे पास ये 15 वाटेज का है, यानी कि बहुत हाई पावर वाला है ये। इसमें भी अगर चेक हो जा रहा है, सही हो जा रहा है, तो आपके पास जो भी हो डीओवी 9 वाट 12 वाट जो भी है उसमें आपका चेक कर जाएगा, ठीक है, उसमें आपका टेस्टर बन जाएगा। तो इसमें आपको एक और चेंजेस करना होगा, तो उसके लिए आपको लगानी पड़ेगी पीएफ। तो पीएफ कितना वैल्यू का होगा, बहुत सारे आपके पास है, अब चॉइस अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे 223 है और 223 का दो वेरायटी है, ठीक है, छोटा बड़ा जो भी है, 474 जो कि मैं साथ ही साथ आपको किट दिखाते जाऊंगा जिसमें आपको ये वाली पीएफ मिलेगा जो 474 लगा सकते हैं, सीएफएल का जो सर्किट है उसमें आती है। इसमें आपको 332 322 222 224 इस टाइप के कुछ मिलेंगे, हरा मिलेंगे, लाल मिलेंगे, पीले मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास है 473 है, आप 200-300 से नीचे मत जाइए, इसके नीचे आप बिल्कुल मत जाइए, जो आपको मिलेगा 105 104 वो सब मत लगाइए, उसमें आपको रिस्क हो सकता है। तो किस तरह से लगाना है चलिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे 223 लगाने वाले हैं, ठीक है, तो लगाएंगे किस तरह से, आपको ये मिलेगा डीओबी में लाइव एंड न्यूट्रल का मिलेगा, तो किसी एक में आपको इसको इंसर्ट करनी है। अच्छी तरह से ये सोल्डिंग हो चुका है, न्यूट्रल में एक तो वायर जोड़ के आपको लेनी है और इसमें आपको एक तो वायर जोड़ के जो पीएफ के साथ जा रहा है वो जोड़नी है। फुल ब्राइटनेस में कितना जलता है और उसके बाद पीएफ लगाने के बाद कितना जलता है। तो पावर दे दिया हूँ दोस्तों, इसमें पावर चालू है, तो सबसे पहले चेक करेंगे जो पूरी फुल ब्राइटनेस में जो जलता है, ठीक है, ये देखिए दोस्तों इतना फुल ब्राइटनेस है कि हमारा कैमरा झिलमिला जा रहा है, ठीक है, इसकी लाइटिंग बहुत फुल पावरफुल है। 223 पीएफ लगाने के बाद इसकी देखिए दोस्तों लाइटिंग कितनी डाउन हो चुकी है, इसकी लाइटिंग बहुत कम हो चुका है, तो इसीलिए पीएफ का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो वोल्टेज है एक्स्ट्रा वो इसमें ड्रॉप होता है, ठीक है, तो इसलिए देखिए दोस्तों इसमें इतना अच्छा तरह से ड्रॉप हो जा रहा है। तो इसके जगह पे हम 474 या 471 को लगा के आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों हम चेक करते हैं सबसे पहले, तो फुल ब्राइटनेस ये देखिए फुल ब्राइटनेस, उसके बाद इसको लगाने के बाद ये देखिए दोस्तों, तो आप 474 भी लगा देंगे तो आपका भी लाइटिंग सेम टू सेम रहेगा। झालर टेस्ट करने के लिए हमको सबसे पहले तो जान लेनी चाहिए हमारा जो फेज लाइन है वो किधर तरफ से आ रहा है हमारे बोर्ड से, तो सबसे पहले इसमें लगा के देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसमें आपको लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, तो उसके बाद दूसरा साइड में लगा के देखते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों इसमें लाइन आ रही है, टच करने से इसमें लाइट आ रही है, तो इसका मतलब ये वाला साइड हमारा फेज है और ये फेज लाइन आपको हमेशा स्विच ऑफ होने से ऑफ हो जानी चाहिए, कंटिन्यूसली ऑन रहेगा तो आपका मतलब है इसकी रोटेशन चेंज हो चुकी है, आपको इसको सही करनी होगी सबसे पहले। कभी कभार आपका सर्किट में भी प्रॉब्लम होते हैं तो सर्किट को भी एक बार हम इसमें चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही आगे हम एलईडी तक जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों इसकी सर्किट, इसमें भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, मेरा हाथ पूरा ग्लू हो चुका है इसको खोलते खोलते। ये देखिए दोस्तों इसमें 39K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ तक पावर आ रहा है कि नहीं हम इसमें चेक करेंगे इसकी कंडीशन क्या है, एक बार हम और एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा बोर्ड में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों एक भी लाइट ग्लो नहीं हो रहा है, ये वाला साइड हमारा फेज लाइन है, तो ये वाला हमारा न्यूट्रल है, तो फेज लाइन को हम इसमें इंसर्ट होते हुए रखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे इसको एक वायर को बोर्ड के नीचे रख देंगे और उसके बाद हमारा अपना डीओबी को लेंगे इस तरह से। हरा वाला लाइन है हमने न्यूट्रल वाला कनेक्शन किया थे उसको हम दे देंगे न्यूट्रल में, ठीक है, ये हमने चला दिया न्यूट्रल के में, न्यूट्रल के अंदर में, और आपका जो फेज लाइन है वो आपको पकड़नी है, इस तरह से पकड़नी है आपको इसमें हाथों में, पैरों में जूता चप्पल जो है आप पहन सकते हैं या रबर का मैट भी आप रख सकते हैं पैरों के नीचे, तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या करना है आपको, तो बारी बारी करके आपको चेक करना है कि
इसमें ये लाइट ग्लो होता है या नहीं। इसमें शॉर्ट होने का कोई भी चांस नहीं है। जो हम बनाए हैं सीरीज कनेक्शन है, इसमें से आपका अगर आपका लाइट मिल जाएगा तो ये एलईडी ग्लो करेगा, न्यूट्रल मिलेगा तो ये एलईडी बंद ही रहेगा। तो यहाँ पे लाइन नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी लाइन नहीं आ रहा है, तो इसमें तो लाइन आ रहा है, लेकिन इस वाले जो वायर है उसमें आपका लाइन यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, उस वाला वायर को हम इसमें इंसर्ट करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ये छोटी छोटी ट्रिक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसमें लाइन आ चुका है, इसमें भी लाइन आ चुका है। इस वाले सर्किट में चेक किए तो ये देखिए दोस्तों, इसमें तो जब लाइट जल रहा है तो ये लाइट जल रहा है, लेकिन इसमें अगर चेक कर रहे हैं तो इसके साथ ही हमारा जो एलईडी है वो भी इसके साथ ही ग्लो कर रहा है। आप इसमें देखिएगा तो इसके साथ ये ग्लो कर रहा है, यानी कि हमारा सीरीज पूरी तरह से ओके है। हमारा सिर्फ प्रॉब्लम है इस वाली वायर में, तभी जाके हमारा झालर बंद पड़ा है। तो इससे भी इजीली आप चेक कर सकते हैं। यही पे भी मैंने चेक किया तो इसमें ही मेरे को फॉल्ट आ गया। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसको वायर को ही पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सर्किट कंप्लीट कर दिया हूँ, और इसमें एक मिसिंग कैपेसिटर था उसको भी मैंने लगा दिया हूँ। 250 वोल्ट 4.7 माइक्रोफैराड की है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने वायर जोड़ दिया है। तो ये मेरा टेस्टर है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा लाइट यहाँ पे ग्लो कर रहा है, ब्लू लाइट यहाँ पे ग्लो कर रहा है। तो अभी इसको हम डायरेक्ट में इसमें प्लग में लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी तरह से हमारा ये झालर जल चुका है। तो आप भी इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि फटाफट प्रॉब्लम था वो फटाफट आपको निकल गया, आपके इसी अंदर में बीच में कहीं पे आपका एलईडी का प्रॉब्लम रहेगा। तो आप इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो हर किसी झालर में अलग अलग फॉल्ट रहता है। किसमें आपको पहले पता चल जाता है, उसके बाद और किसी में पता नहीं चलता है, क्योंकि इतना सारा एलईडी 40-50 एलईडी के बीच में एक एलईडी खराब होता है तो उसमें प्रॉब्लम आता है। तो उस टाइप की एक तो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, इस वाली डीओवी से हम चेक करके देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे और एक झालर मेरे पास है, ये देखिए दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने पावर यहाँ पे दूंगा। तो ये मेरे प्लग से लगा के रखा हूँ, इस वाले कॉर्ड को ये लगा दिए। देखिए दोस्तों, स्विच मार रहा हूँ, ये हमारा नहीं जल रहा है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि केबल खराब है, केबल भी खराब नहीं है दोस्तों। मैं आपको चेक करके दिखा दूंगा कि केबल हमारा बिल्कुल सही है। और इस वाली पॉइंट को मैं इसके अंदर में इंसर्ट करूंगा दूसरी वाली पॉइंट में, तो ये एलईडी हमारा ग्लो करेगा। ये देखिए दोस्तों, देखिए तो ये हमारा वायर हमारा सही है, लेकिन हमारा झालर ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा झालर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो पावर सेक्शन का ही फॉल्ट होता है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट चेक करना है तो किस तरह से चेक करेंगे? देखिए, झालर का जो एलईडी है उसको 2-3-4 ऐसे छोड़ छोड़ के आपको चेक करना होगा। टेस्टर से पहले सबसे पहले तो चेक करना है किस वाली पॉइंट में आपको लाइन आ रहा है। ये देखिए, इसमें लाइन आ रहा है। तो इस वाली पॉइंट में आपको क्या करेंगे, एलईडी झालर का जो किसी एक वायर रेड हो ब्लू हो, मैं इसमें ब्लू लगा रहा हूँ, हरा वाला वायर है हमने न्यूट्रल रखा था डीओबी का, उसको हम के अंदर में इंसर्ट कर देंगे। दूसरी वाली पॉइंट जो है रेड कलर की वायर को आपको चेक करनी है, आपकी डीओबी चलनी चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, डीओबी चल रहा है, झालर की 2-3-4 एलईडी छोड़ के एक एक एलईडी के साथ आपको चेक करते हुए चलना है। तो यहाँ पे 1-2-3-4 एलईडी छोड़ के 5 नंबर एलईडी में, तो यहाँ पे डीओबी थोड़ा सा जल के बंद हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे डीओबी में कुछ बदलाव मैं करना जा रहा हूँ, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, सही से हमको चेक करने नहीं बन रहा है। देखिए दोस्तों, जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने ही रखता हूँ, नहीं जला, मैं बोल दिया आपको कि नहीं जल रहा है अभी। तो उसको चेंज करके देखते हैं पीएफ को। मैं जितना भी एलईडी टेस्ट किया तो हल्की सी लाइट जलनी चाहिए, लेकिन लाइट बिल्कुल भी जल नहीं रहा है। तो ऐसे कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपका एलईडी ग्लो ही नहीं करेगा आपका झालर का, तो आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ पे है? डीओबी जल रहा है, अब इसमें एलईडी में टेस्ट करते हैं, इसमें और थोड़ी सी पावर देनी होगी। ये देखिए दोस्तों, थोड़ी सी ब्लिंक किया, उसके बाद बंद हो जा रहा है ये। तो दोस्तों, जो फाइनल कंक्लूजन निकला, जो मैं डर रहा था कि कहीं हमारा डीओबी को डायरेक्ट इस तरह से सीरीज करने से हमारा एलईडी सीरीज खराब ना हो जाए, इसलिए मैं इस टाइप का पीएफ का बारे में आपको जानकारी दे रहा था। जो 4-4 एलईडी में छोड़ा था वो सब जल रहे हैं और बाकी बंद पड़ा है। तो हम यहाँ तक चेक किए थे, तो इसके बाद आगे चलेंगे, इसके इस तरह से हम चेक करते हुए चलेंगे। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आगे में है, जो कि झालर हमारा बंद पड़ी है, ठीक है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये वाली एलईडी को मैंने पकड़ लिया हूँ, तो इसका हम देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए दोस्तों, इसके साथ ही सारा एलईडी ग्लो करेंगे। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये नहीं जल रहा है, बाकी सब जल रहा है, क्योंकि इसकी पॉजिटिव नेगेटिव दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ मैं चेक करूंगा तो ये वाली एलईडी ग्लो करेगा। ये एलईडी देखिए ग्लो किया, तो जो सच्चाई वो आपके सामने में है। तो ये देखिए दोस्तों, इसको भी हम चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक भी एलईडी हमारा सही है, ठीक है। तो ये कहनी कि डीओबी हमारा अच्छी तरह से काम कर रहा है। आपके पास जितना वाट का भी डीओबी हो उतना आपका काम करेगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा एलईडी सही है। तो यहाँ तक आगे चलते हैं, आगे और एक दो एलईडी ऐसे छोड़ेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा एलईडी जल रहा है। तो यहाँ तक एलईडी हमारा सही है, इसकी आगे का लाइन नहीं जल रहा है। इसमें आगे और चेक करेंगे, हमको जहाँ पे एलईडी में डाउट लगेगा हम वहीं तक चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे उसका वाला आगे वाला जल रहा है कि नहीं। तो चलते चलते यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसको हम चेक करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये वाली एलईडी नहीं
ग्लो कर रहा है, इसको थोड़ा सा पीछे, ये क्या है, ये तो टूट चुका है। तो यहाँ पे टूटा हुआ है वायर, तो टूटा हुआ से वजह से ये हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम खोल देते हैं, इसको हम जब शॉर्ट कर देंगे इसके साथ ऐड कर देंगे तो क्या होता है इसका आउटपुट हम देखते हैं दोस्तों, कि इसकी जो फ्रंट वाली जो वायर है, यो वाई गॉड, ये देखिए दोस्तों सारा का सारा एलईडी फुल ग्लो कर रहा है, यानी कि प्रॉब्लम हमारा यहीं पे था। ठीक है, हमने यहाँ हम ढूंढ रहे थे तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम निकल चुका है। दोबारा से दोस्तों चेक करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों स्लीविंग चढ़ा दिए हैं, तो चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल तैयार हो चुका है, और इसको हम कवर कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपना झालर बना सकते हैं, सही कर सकते हैं एक डीओबी के लेके। तो ये डीओबी है जो आपका अल्टरनेट काम कर सकता है, और इस तरह का सिस्टम बना के डीओबी बना के झालर को सही कर सकते हैं। ये है 15 वाट की है, जिसमें आपको पीएफ की कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो डायरेक्ट आईसी से ऑपरेट होता है। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो नया नया चीज आपको जानने की मिलती है कि आईसी अगर है किसी भी डीओबी में तो आपको पीएफ की कोई जरूरत नहीं है, अगर आईसी नहीं है तो आपको पीएफ लगाना जरूरी है अगर झालर टेस्ट करते हैं। तो ये जानकारी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। दिवाली नजदीक आ रही है, अपना अपना झालर को बनाइए। मैंने आपको 2 झालर रेडी करके दिखाया। मिलता हूं दोस्तों इसकी नए वाली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।